तो ये क्या किस तरफ संकेत देता है? इसके पीछे आपको भी लगता है क्या कि पूरा का पूरा कोई गैंग काम कर रहा है? मैं मनीष जी की बात को सुन रहा हूं जी और मैं उससे सहमत हूं। ये कम उम्र के लड़के हैं, इतना दिमाग इन शातिर अपराधियों को मारने के लिए ये नहीं लगा सकते। इनके पीछे कोई दूसरे शातिर अपराधी का दिमाग अवश्य है, और जिस भी व्यक्ति का दिमाग है उसने इनको बाकायदा समझाया है, ट्रेन किया है, बताया है। हो सकता है यहाँ मौके पर भी आकर के किस तरीके से प्रवेश करना है, हाईकोर्ट पर जो पुराना हाईकोर्ट परिसर है इसमें जो कचहरी जहां पर है, ये सब चीजें बताई होंगी, वेपन भी उपलब्ध कराया होगा। इन नए लड़कों के बस की बात नहीं, इनका सामर्थ्य नहीं है सोफिस्टिकेटेड वेपन प्राप्त करना, तो किसी न किसी ने अवश्य उपलब्ध कराया होगा। ये चीज स्पष्ट हो पाएगी डिविजना से, पुलिस को इस बात को स्पष्ट करना पड़ेगा। मेरी जानकारी में अभी तक नहीं आ पाया है कि अधिक और अतरफ जो हत्या प्रदेश में हुआ है और जो उसके हत्या किए तो पकड़े गए, लेकिन उनको वेपन किसने उपलब्ध कराया, किसका दिमाग था, ये चीजें मेरी जानकारी में अभी तक नहीं आ पाई है, लेकिन पुलिस ही इस बात को स्पष्ट कर सकती है। रही बात, हो सकता है नए लड़के हैं, ये माफिया बनने के लिए प्रयासरत हो, इस शातिर अपराधी का मर्डर करेंगे, नाम इनका मीडिया में आएगा, समाज में आएगा, चर्चित हो जाएंगे और आगे चल करके धीरे धीरे ये शातिर अपराधी हो जाएंगे, माफिया हो जाएंगे। ऐसी बात हो सकती, नकारा नहीं जा सकता जी, इसको नकारा नहीं। लेकिन 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 यहाँ पर, लेकिन अशोक जी यहाँ पर ये अच्छे संकेत नहीं है। अजीत के पास चलेंगे, अजीत के अच्छे संकेत नहीं है, एक ट्रेंड बना लिया गया है। अब देखिए आप प्रयागराज में क्या हुआ और लखनऊ में क्या हुआ, ऐसे तो कोई कहीं भी पेशी पर जाएगा और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। ये इसके इसका इसका इलाज क्या है? देखिए बिल्कुल इसका इलाज यह है कि सतर्कता आपको बरतनी होगी, और दूसरी बात ये ऐसी जगह को चुनते हैं जहां आप इनको एक तरीके से कहा जाए ट्रेस नहीं कर सकते। अधिवक्ताओं के भेष में जाएंगे, अधिवक्ताओं की चेकिंग नहीं होती, बार बार जब वहां मेडल डिटेक्टर लगाया जाता तो अधिवक्ता कहते करे हमारा ही चेकिंग क्यों कर रहे हो, हम अपराधी हैं क्या, पुलिस को पीछे हट जाना पड़ता, उसी का फायदा ये अपराधी उठा लेते हैं। मीडिया होती है तो उसमें घुस जाते हो। देखिए जो बात कह रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब कि देखिए 8 गोली लगी है उसको, और मैग्नम या जिगना पिस्टल का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो गोली पार हो जाती है सीधे, हैवी वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हैवी बोर्स का, यानी बचने का कोई चांस नहीं होगा। तो इनको इन जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए यूथ हैं, इनको बकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। जो हमारे आईपीएस अधिकारी बता रहे थे कि इनको प्रॉपर इतना दिमाग ये नहीं लगा सकते, इतना प्लानिंग ये नहीं कर सकते, और इनको विदेशी हथियार या इंग्लिश वेपन्स कहां से मिल रहे हैं। हालांकि पब्लिक को अलाउ है 357 मैग्नम, इसकी एक कारतूस 2000-2500 रुपए की आती है, तो ये पूरा प्लान कोई ना कोई गैंग कर रही है। हालांकि इसमें सुनील राठी का नाम आ रहा था, मुन्ना भजंगी की हत्या हुई तो उसमें और कई सारे सपोर्ट पेस नेताओं का हाथ आया, अतीक अहमद वाले में हुआ भाई आपसी लड़ाई है और ये पैसे का बंदर बांट है, जो एजाज नाम का शूटर था अतीक का, उसने भी खुलासा किया भाई पैसे के लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है। फिलहाल इस मामले में भी मुख्यमंत्री ने 3 सदस्यीय SIT गठित कर दी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी, और देर रात तक बकायदा बिल्कुल अजीत रही आप हमारे साथ आगे भी बातचीत करेंगे और बहुत सारी बातें समझनी भी है। हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। लखनऊ कोर्ट में कल हुई संजीव जीवा की हत्या के बाद आज कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कोर्ट में आने वाले सभी कर्मचारियों की प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। राजधानी लखनऊ के कोर्ट में हुए संजीव जीवा की हत्या के बाद फिलहाल अदालत परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इस वक्त कोर्ट में आ रहा है उसको जो है आईडी कार्ड उसका चेक किया जा रहा है, उसका पूरा आई कार्ड चेक करने के बाद ही उसको अंदर जाने दिया जा रहा है। चूँकि आज जो है SIT की टीम को रिक्रिएशन भी करना है, तो ऐसे में जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर कोर्ट है, यहाँ पर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उन सबका जो है पूरी तलाशी ली जा रही है। बाकायदा पुलिस बल जो है उसको गेट्स पर तैनात दिया गया है, और पार्किंग एरिया जहां से जो है आरोपी अंदर गया था बिना सुरक्षा के, तो ऐसे में यहां पर फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था को जो है काफी चाक चौबंद कर दिया गया है। बकायदा आई कार्ड जो है वो देखे जा रहे हैं, और फिलहाल ये कह सकते हैं कि आज राजधानी लखनऊ के जो कोर्ट परिसर है वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को काफी चाक चौबंद कर दिया गया है। हर गेट्स पर जो सुरक्षा है उसको काफी जो है दुरुस्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ सभी जो मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं गेट्स पर उन सबको भी जो है दुरुस्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कैमरामैन दिवाकर के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो विशाल रघुवंशी बता रहे थे कि आखिर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। गैंगस्टर संजीव की हत्या के बाद से माफिया मुख्तार अंसारी सदमे में है। जेल में बंद मुख्तार को यह खबर मिली तो उसके पसीने छूट गए और वो सिर पकड़कर बैठ गया।
कोर्ट परिसर में गैंगस्टर संजीव की हत्या के बाद से माफिया मुख्तार अंसारी की टेंशन बढ़ गई है। संजीव की हत्या के बाद से मुख्तार अंसारी सदमे में है। कल शाम को मुख्तार अंसारी के वकील बांदा जेल में उससे मिलने पहुंचे और वहां पर वकीलों ने जीवा के हत्या की जानकारी दी। जीवा की हत्या की खबर सुनते ही माफिया मुख्तार अंसारी सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। मुख्तार अंसारी संजीव की हत्या के बाद से सदमे में है। गैंगस्टर संजीव उर्फ जीवा माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी और बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी और कृष्णानंद राय की हत्या का आरोपी था। और इस वक्त हमारे साथ माननीय श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। माननीय जी, बहुत स्वागत है आपका। माननीय जी, जरा एक बात हमें समझाइए कि ये जो हत्याएं कर रहे हैं जो नए उम्र के लड़के 20 साल 22 साल 25 साल इतना जघन अपराध करने से पहले क्या सोचते होंगे, क्या सोच होगी इनकी, जरा एक बार आप हमें समझा पाएंगी? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये एक कॉमन फैक्टर इन सारे ही केसेस में नजर आ रहा है कि ये बच्चे सभी जिन्होंने मर्डर कमिट किया है वो सब कम उम्र के हैं। तो ये एक चीज इंगित करता है कि आजकल यूथ में अग्रेशन, एंगर, ये सब बहुत ज्यादा लेवल इसका हाई हो रहा है। इन बच्चों में कुछ फैक्टर्स कॉमन हो सकते हैं। जब ऐसे बच्चे आपने देखा कि ये बहुत ही गरीब नजर आ रहे हैं तो इनके पीछे कुछ फैक्टर्स ये हो सकते हैं कि हो सकता है कि ये लाइफ में कभी इनके कुछ ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो कि वायलेंस के रहे हो और उनको डिसेंसिटाइज कर दिया है उन एक्सपीरियंसेस ने वायलेंस के प्रति। या फिर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इनकी गरीबी, इनकी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ जॉब, इनकी नीड्स को पूरा ना कर पाने के लिए भी, कि जरूरतों को पूरा ना कर पाने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि ये ऐसे लोगों की चपेट में आए हों जिन्होंने इन्हें बड़ी रकम देने के कहा हो कि इनकी फैमिली को सपोर्ट मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये ऐसा करने को तैयार हो गए हैं। क्योंकि ट्रेन किया गया है, ऐसे नहीं है कि इतने इस उम्र के बच्चे इतने बड़े माफिया या इतने बड़े क्रिमिनल्स हो सकते हैं। उनको किसी चीज का जरूर दिया गया है कि जिसकी वजह से कोई चीज ऐसी लुभावनी उनके सामने रखी गई है जिसकी वजह कारण की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। कई बार ये बच्चे पीयर प्रेशर करते हैं कि इनके कुछ दोस्त हो सकते हैं वो गैंग से जुड़े हों और उनके इन्फ्लुएंस में आके जो है इन लोगों ने ऐसा काम कर उनके बिल्कुल बिल्कुल। मैडम रही हमारे साथ मनीष मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मनीष मिश्रा जी, देखिए बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, यहाँ पर एक बात और कॉमन निकल कर आई है कि ये लोग जो हैं इनकी इनकी सोच क्या रही होगी, ये लोग क्या पैसों के लिए करते होंगे, और दूसरी बात वेल ट्रेंड थे, इनको बाकायदा ट्रेंड किया गया है, कोई ये नौसिखिए लोग नहीं थे। अभी लखनऊ वाला जो कांड हुआ उसमें सटीक गोली मारी गई है, गोली मिस नहीं हुई, टारगेट मिस नहीं हुआ। जी बिल्कुल, देखिए जैसा हम लोग कुछ दशक पहले तक देखते थे जब आतंकी घटनाएं देश में आमतौर पे हर महीने होती रहती थी तो पाकिस्तान से जो आतंकी आते थे उनको फिदाइन जस्ता जत्थे के रूप में तैयार करके भारत भेजा जाता था। मुंबई का ताज होटल वाला अटैक आप देख लिए जिसमें कसाब ने अटैक किया या उसके साथी थे, या और बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें वो फिदाइन जत्थे को तैयार करके आपको टारगेट दिया जाता है कि आपको ये लक्ष्य हासिल करके ही लौटना है। इसमें हो सकता है आपकी जान भी चली जाए लेकिन उसके बाद आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके पूरे खानदान की देखरेख की जिम्मेदारी उनका संगठन लेता है। ऐसे ही फिदाइन जत्थे अब यूपी में तैयार हो रहे हैं बड़े बड़े माफियाओं को ढेर करने के लिए। सवाल ये उठता है कि इनके पीछे कौन है, ये जो नई उम्र के लड़के हैं इनके पास ना सामर्थ है, ना इनका कोई कांटेक्ट है, ना इनकी कोई सीधी रायवेली नजर आती है। जीवा को जिसने मारा है विजय यादव, उसकी सीधी रायवेली जीवा से कुछ नहीं है, ना उसको उसकी हैसियत है कि वो असलाह लेकर के खरीद करके ग्लैमर के लिए ही सिर्फ जाकर के गोली मार पाए। ऐसे ही अशरफ और अतीक वाले में अगर आप देखें, तीन लड़के, तीनों के जो परिवार है वो निहायत गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार के आय वर्ग के लोग थे जी। जो युवक हैं उनके पास अपने घर चलाने का खर्चा पैसा नहीं है, पॉकेट मनी उनको घर से नहीं मिलती, उसके बावजूद वो इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन उनके पास आते हैं। बड़े सवाल हैं ये जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, फिलहाल समय नहीं है वरना और बातें आप लोगों के लिए पाते। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत, आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।